जय माता दी। आज मैं आपको चैत्र नवरात्रों के विषय में बताऊंगा। चैत्र वसंत नवरात्र इस वर्ष 13 अप्रैल मंगलवार से शुरू होने जा रहे हैं। नवरात्रों में भगवती देवी दुर्गा की आराधना की जाती है और कलश की स्थापना की जाती है। माँ दुर्गा के मंत्र स्तोत्रों का पाठ किया जाता है और सबसे पहले इस दिन सुबह कलश की स्थापना होती है और माँ देवी दुर्गा की साख लगाई जाती है, जिसका शुभ मुहूर्त 13 अप्रैल सूर्य उदय से लेके, वैसे तो पूरा दिन शुभ है, ऐसे सूर्य उदय से लेके दोपहर 12:55 तक आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, देवी दुर्गा की अखंड ज्योति जला सकते हैं और माँ के स्तोत्र मंत्रों का पाठ कर सकते हैं। नवरात्रों में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। कोई भी पाप कर्म जो है नहीं करना चाहिए, चमड़े की वस्तु नहीं पहननी चाहिए, नाखून बाल आदि नहीं काटनी चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। और आपके पास अच्छा समय है, कोरोना महामारी चल रही है, घर रहकर ही माँ देवी दुर्गा की आराधना करें और माँ से प्रार्थना करें यह महामारी पूरे विश्व से जल्द ही समाप्त हो। और एक आपके पास अच्छा समय है नवरात्रों का, और 20 अप्रैल को जो है अष्टमी होगी और 21 अप्रैल को महानवमी और रामनवमी का पर्व जो है मनाया जाएगा। और अपना ध्यान रखें, अगर आपकी सेहत ठीक है तो व्रत करें, सेहत ठीक नहीं है तो पूजा पाठ करें, आपको व्रत का जो है पूरा फल मिलेगा। जय माता दी।